ऐसे बेहतरीन और धमाकेदार बॉलीवुड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी हब को और बेल आइकन को दबाएं। मजदूरी के पैसे माँ को दे देना, खुद मत खा जाना। हाँ ठीक है, दे दूंगा दे दूंगा दे दे दूंगा। कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा तुझे, कितना याद किया हम लोगों ने। बस हा? बस अब मिल गए ना, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। पक्का आप नहीं बिछड़ेगा ना? पक्का। ठीक है। अरे मुन्ना, इतना बड़ा घर किसका है? हम दोनों का है। हैं? हाँ। आज से तू यहीं पर रहेगा, हमारे साथ, हमारे पास। इतने बड़े घर में, अरे यहाँ पूरा गांव आके ठहर सकता है। अपने अहमद बिल्ला पकड़, अरे माँ भी यहाँ आके रह सकती है, वो कितनी खुश होंगी। मंगल, माँ कैसी है? कितना याद करती है तुझे। याद है बचपन में तूने मुझे कोट और जूता दिया था? हाँ। माँ ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और हमेशा कह दिया कि मुन्ना एक ना एक दिन जरूर आएगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी मुझे कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मुन्ना को उसकी जमीन दे देना। मैंने कहा मुन्ना मिल तो जाए, मुन्ना की तो क्या, मैं अपनी जमीन भी दे दूंगा। चल तुझे पहले जमीन देनी है। चल। अरे चलते चलते पहले तू तैयार हो जा, आज तेरे आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ी पार्टी दी है। जशन। नाचना गाना। अरे नाचना गाना। अरे मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बर्बाद करके रख देगा। जिस तरह तुम्हारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द मटक मटक नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही तुम लोग अपनी दुम हिला हिला कर उसकी चमचागिरी करोगे। तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सेठ जी, आप क्या समझते हैं कि हम उस बोरिया ढोने वाले के अंडर काम करेंगे? अगर मेरे ऑफिस में आया ना तो मैं उसे कुर्सी तक ऑफर नहीं करूंगा, चपड़ासी की तरह खड़ा कर दूंगा उसे। और वही सेठ जी, मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट मैं उस जाहिल अनपढ़ गवार बेवकूफ को खाते दिखाकर अपनी तौहीन नहीं करूंगा। मैं तो उसे गिनती कराऊंगा और उसको गिनती आएगी नहीं, मैं धक्के मारूंगा, गाली दूंगा और दफ्तर से निकाल दूंगा। हमारे लिए तो एमडी अभी तक आप ही हैं। इतने सारे गुंडे पाल रखे हैं हमने, एक ही गुंडा उसके सर पे ऐसा चार जूतरा जड़ देगा, भागता हुआ सीधा गांव जाकर दम लेगा, फिर बोरियां ढोना शुरू कर देगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम लोगों में कितनी नमक हलाली है। फिलहाल तो तुम्हारे घरों की लड़कियां उसे फोन पर प्यार भरे पैगाम भेज रही हैं। हाँ। ये है मेरी दीदी, बीमार है, विदेश में इलाज हो रहा है, तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जैसे अपनी माँ है ना, वैसी है मेरी दीदी।
हमारी दीदी। मिस्टर अमर राय हैं? यस, अमर राय स्पीकिंग। हाँ अमर बेटे, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। ओ अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत दिनों के बाद। हाँ बेटे, बहुत दिनों से मैं टेलीफोन नहीं कर सका। बेटे तुम्हें काम करना, शालुमा आ रही है, उसे रिसीव करने चले जाना। ओ रियली? आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाके उन्हें रिसीव करूंगा। थैंक यू बेटे। ओके अंकल, बाय, सी यू। चल चल। वेलकम 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 मिस शालू, सिंग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नहीं पहचाना ना? अरे मैं अमर हूँ। ओह, तुम अमर हो? तो फिर ये कौन है? ये मेरा यार, मेरा दोस्त मंगल, राय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। रियली? मिस्टर मंगल, क्या आप मुझे मेरे कमरे तक नहीं पहुंचाओगे? हाँ जी, चलो जी। आउच! I love you. ये जाकर मंगल साहब को दे देना। जी अच्छा। मंगल! इसे पहचाना? ये तो हमार मुन्ना है। मैंने पहचान लिया। लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही परियों की रानी है ना, जो हमारे मंगल को अपने साथ ले गई। चल मंगल, माँ से मिलते हैं। कौन हो तुम? अरे अरे, तू तो बढ़ता ही जा रहा है, तू है कौन? तू तो मेरा मुन्ना है। माँ, मुझे पता था कि तू मुझे देख के ही पहचान जाओगी। कैसा है तू? मेरा मुन्ना। और वो अपना मंगल? बहुत अच्छा अच्छा है, मगर दिल का थोड़ा कठोर है। दिल का कठोर? और मंगल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, फिर उसने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? चिट्ठी दी थी? हाँ। कौन सी भाषा में? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अंग्रेजी में और कैसे? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन सी चिट्ठी? अरे वही चिट्ठी यार, जो शालू ने तुझे भेजी थी। हाँ, उसने दी थी। चल चल निकल, ये ले। तुझे पता है इसमें क्या लिखा है? अंग्रेजी आती तो पता होता ना। इसमें लिखा है I love you, मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओए, ओए, प्यार करती है? प्यार करती है? यशोदा बहन, अब सगाई तो हो गई, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। मौसी, हाँ? शादी तो मैं उसी वक्त करूंगा जब दीदी विदेश से लौटेंगी। आज तेरे दोनों भाई गांव से वापस आ रहे हैं। पर मेरा तो एक ही भाई है मुन्ना। तेरे उस बेवकूफ भाई मुन्ना ने मंगल को भी साथ मरने के लिए बुलाया है। तो मुन्ना अकेला नहीं है, मंगल भी उसके साथ है। हाँ। और जिस तरह हमने तेरे बाप को मारा था ना, उसी तरह हम उन दोनों को भी मार देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, लोग समझेंगे कि एक हादसा था। हेलो, आप बोलो लिली। उनकी कार पहुंच गई है। दोनों गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। आ,
अब वो उसी गली की तरफ जा रहे हैं। मंगल, यहीं पे नई फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। दोनों दीवार के नीचे बुरी तरह से दब गए हैं। शाबाश लिली, शाबाश। डॉक्टर साहब, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बस ये चमत्कार ही है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए बेटे। मगर बेटे, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं था अंकल, मुझे और मंगल को मारने की साजिश थी। साजिश? तुम्हें मारने की साजिश? कौन कर सकता है ऐसी साजिश? तुम चिंता मत करो बेटे, मैं उन कमीनों की खाल उधेड़ दूंगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मेरा यार मंगल मेरे साथ है। हेलो। हेलो जयप्रकाश जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो भाई सुंदरलाल, बहुत दिनों बाद याद किया, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है सेठ जी, आपके घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो, बोलो ना क्या बात है? सेठ जी, शालू बेटी अमर राय से शादी नहीं कर रही है, बल्कि वो एक जंगली जाहिल और गवार मंगल नाम के पल्लेदार के इश्क में गिरफ्तार है। क्या बकते हो सुंदरलाल, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ सेठ जी, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। सुंदरलाल, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या बात है? तुम्हारी बेटी वहाँ किसी मामूली पल्लेदार के साथ रंगरलिया मना रही है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। डैडी, डैडी, आपका भाई। मैं ना आता तो अच्छा था, कम से कम तुम्हारी ये बेहुदा हरकत देखने का मौका तो ना मिलता। डैडी बात क्या है, आप नाराज क्यों हैं? ये मंगल है। जानता हूँ, एक जंगली जाहिल कमार और एक पल्लेदार के साथ तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें अपनी पोजीशन, अपने खानदान की मान मर्यादा और माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। डैडी, आपको मंगल का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल, डैडी की बात का बुरा मत मानना। ये तो मेरे होने वाले ससुर हैं, हम इनकी बात का बुरा क्यों माने? हाँ, अगर कोई और होता तो अब तक अस्पताल भेज दिया होता। बकवास बंद करो, चलो तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ। डैडी, मैं मंगल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं आपके साथ उस वक्त चलूंगी जब आप हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू चल मेरे साथ, वरना मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। आई एम सॉरी डैडी, मगर मैं मंगल को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो हमें छोड़ना होगा, आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। मिस्टर मंगल, एक गुंडे को होश आ गया है, उसने बयान भी दिया है। एक औरत, गोरा रंग, उसकी थोड़ी पर काला तिल है, काले कपड़े और कपड़ों पर थाप का निशान है। वो औरत उसे मिली थी, उसने आप लोगों को मारने के लिए उसे 2,00,000 रुपए दिए थे। ऐसी औरत आपको कहीं मिले तो हमें फौरन खबर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, बता कौन थे वो लोग जो मुन्ना की जान लेना चाहते थे? कौन से लोग, तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तू बताएगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपने... नहीं जानती, झूठ बोलती है। ये क्या कर रही है तू? बचाओ, 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 बचाओ। बहुत हो चुका है, शर्म नहीं आती एक औरत की इज्जत से खेलते हुए? ये झूठ है, मैं तो सिर्फ इसे गुंडों के नाम पूछने आया था। पूछने आए थे, इतनी रात गए और वो भी इस तरह इसकी इज्जत पे हाथ डालकर। अरे ये सब ढोंग है ढोंग, तू इस डैन की बातों का विश्वास करती है? क्यों ना करूं? इसके फटे हुए कपड़े, इसकी आंखों में आंसू, इसकी हालत, साफ साफ कह रहे कि तुम इसका इसका बलात्कार करने। बलात्कार? क्या तू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? ठीक है, जो समझना समझ ले। ओए, तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया, अगर कल सुबह तक तूने मुझे उन गुंडों का नाम नहीं बताया मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर मंगल ने
सुबह तक लिली से सब कुछ उखलवा लिया तो दोपहर तक हम बाप बेटे जेल की सलाखों के पीछे कुत्ते की तरह सड़ रहे होंगे। अगर लिली कल तक जिंदा रही तो ना लिली को कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के इल्जाम में फांसी होगी मंगल को। डॉक्टर तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? आ गई बेशर्म मलती, उसे मेरे सामने मत आने दे। आप परेशान मत होइए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शांत हो जाइए। अरे पापा, 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 क्या क्या हो गया आपको? माँ माँ पापा को क्या हो गया? पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं उस आदमी से सारे रिश्ते तोड़कर आई हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। मुझे आपकी जिंदगी चाहिए पापा, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, अगर तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ठीक है बेटे, मैं तुझे माफ करता हूँ। तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। Cheers, Dad. खुशखबरी, हमारी स्कीम कामयाब हो गई। शालू शादी के लिए तैयार हो गई है। अब वो उस अनपढ़ मंगल की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बनेगी। Congratulations, my son. मुबारक हो। अरे भाई मुबारक हो, इकलौती बेटी है उस सेठ की वो। हाँ, और फिर सेठ तो कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद करोड़ों की जायदाद के मालिक होने वाले हो सिर्फ तुम। Keep it up, my son. I'm proud of you. Keep it up. Thank you, Dad. Cheers. हरामजादी, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती है। तू मुझ पर जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन मंगल मुन्ना को मरने नहीं देगा, तुझे जीने नहीं देगा। खामोश। बाका। हाँ जी। इसे हमारे जुल्मों की इंतहा दिखा दो। इसे मालूम चल गया, खत्म कर दो इसे। बहनों के नंगे सर तो भाई ढापते हैं। तू मंगल है? हाँ दीदी, मैं मंगल हूँ। मुझे मालूम था तू आएगा, अपनी बहन की इज्जत बचाने आएगा। बस दीदी बस, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरे पर ढाई हर जुल्म का हिसाब चुकाऊंगा। तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं दौड़ता जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने एक मासूम औरत की जान ली, कत्ल करने के बाद जब वो कायर भाग रहा था तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरी आंखों से आंखें मिला सके। शालू, तुम कायर कहकर मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रही हो और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकते ना करो, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मैं यहाँ खुद आया हूँ तुम्हारी शादी रोकने के लिए, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा मेरे यार की मोहब्बत को लूट कर ले जाने की। मिस्टर अमर, मैं ब्याह के मंडप में जा रही हूँ और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे कैसे रोक सकता है। Now you get out from this. Shalu, try to understand. बोलो शंकर भीमा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ओम गणानंत्वा गणपति गुंगवा। मुन्ना कहाँ है? मंगल,
दुनिया में दूसरा कोई भी तेरी मोहब्बत को छीन नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुन्ना तुम आगे पास गांव चल, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई यहाँ आने की? मुन्ना तो अंदर चल। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी माँ से पूछना चाहती हूँ कि कैसे निर्लज बेटे को जन्म दिया है। आ चल। दीदी, 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 ये क्या हो गया तुझे? तू मुन्ना है? हाँ, मैं मुन्ना हूँ। तू मुन्ना है? हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है मुझसे? मेरे भाई को मिलाया भी तो मुझे तड़पा तड़पा के। तू तो बड़ा खूबसूरत जवान हो गया है रे, ये बहन तुझ पे वारी जाए। दीदी, तेरे शरीर पे ये जख्म किसने किए? ये जुल्म मेरे पति ने और मेरे ससुर ने। वो दो प्रेत रूहे हैं जो हमारे खून की प्यासी और हमारे दौलत की भूखी इस घर पर मंडरा रहे हैं। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पापा पर हमला किया। मैंने गिर गिराकर उनके कदमों पर सर रखकर पापा की जिंदगी की भीख मांगी, पर उन दरिंदों के दिल में रहम कहां? मुझ बेबस की आंखों के सामने उन्होंने पापा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं गम से निढाल होकर बेहोश हो गई। फिर मुझे पता नहीं कब उन्होंने मुझे उठाकर एक अंधे गार में फेंक दिया। उस गार में उन्होंने मेरे बदन और मेरी आत्मा पर जुल्मों की बौछार कर दी। मेरी हर सांस को जहर में बुझे हुए तीरों से जख्मी करते। हर रोज मेरे कानों में तेरी और मंगल की मौत के नश्तर चुभोते। में तो वो इतना गिर गए कि मेरी इज्जत लूटने के लिए पागल भेड़ियों का गाल मुझ पे छोड़ दिया। मैं अपनी इज्जत की रक्षा करते करते निढाल हो गई। वो मेरी इज्जत लूटने ही वाले थे कि मंगल मेरा भाई वहां पहुंच गया और उन्हें मार मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बता दिया उन्हें कि भाई बहन के लिए क्या होता है। माँ, तेरी इस दुखियारी बेटी के ये वचन है कि दुनिया की हर बहन और बेटी की दुआएं तुझे लगेंगी और तेरा घर नेकी और खुलूस से भरा रहेगा। दीदी, जिन पापियों ने तेरी जिंदगी को नर्क बनाया, ये भी उन्हीं के घर में बहू बनने जा रही है। जरा समझा इस अभागन को। मंगल, ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान से मत निकाल। भगवान न करे कोई दूसरी लड़की मुझ जैसी बदकिस्मत हो। तू तो कितनी सुंदर है, कितनी भोली शक्ल है तेरी, कितनी नेक आत्मा झांक रही है तेरी आंखों से। ना 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 ना, उस घर की बहू कभी मत बनना, कभी मत बनना। दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मेरे सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया। दीदी, ये भी उनके साथ है। मंगल का सीना छलनी करने के लिए कोलिया भर रखी थी इसने। मैं शालो, मैंने तुझे मंगल की मोहब्बत से आजाद कर दिया। जा जाकर अपने मन चाहे से शादी कर ले। जा। देख क्या रही है, मुन्ना ने जो कह दिया सो कह दिया। अपनी दीदी की खातिर मेरा फर्ज यह बनता था कि तुम्हारी शादी के मंडप पर उन जालिमों को खत्म कर दूं, लेकिन मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया इसलिए कि मैं तुम्हें असली दिखा सकूं। अब जाकर कह दे कि भाई अपनी बहन का बदला लेने आ रहे हैं। अब ना उनके कंधे पर सर रहेगा ना पैरों तले जमीन। मां, मां,
उसे भूल हो गई। मैं इन सब बातों से अनजान थी। इनसे कह दे कि मुझे माफ कर दे। रुक जाओ। इनकी क्या मजाल है जो तुझे माफ न करे? टांगे ना तोड़ दो इनकी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। शालू मेरी बहू है, समझे? मेरी दीदी के कदमों में गिरा है। दीदी मुझे हुक्म दे, मैं इन दोनों के सर काट कर तेरे कदमों में फेंक दूंगा। तूने बदला लेकर दिखा दिया है मेरे बीरे, ले अब पानी पी। तेरी मांग का यह संदूर, तेरे माथे की यह बिंदिया, तेरे गले का ये मंगलसूत्र, ये सुहाग के सब चिन्ह, मेरे नाम क्या है? ओ उमा, मैं तेरा पति हूँ। मांग का सिंदूर ले, मिटा दिया। माथे की बिंदिया ले, उधर ही डाली। मंगल सूत्र ले, तोड़ दिया। ये सारे सुहाग के चिन्ह तो मैंने सजाए ही थे उजाड़ने के लिए। फिर भी मैं तेरा पति हूं। पवित्र अग्नि के गिर्द मैंने सात फेरे लगाए हैं तेरे साथ। पति? तू पति? ऐसा पति जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबुल की जान ले ली, जो हर रोज मेरे भाइयों को मारने के लिए षड्यंत्र रचता रहा, जिसने खुद मुझे उन दरिंदों के सामने डाल दिया ताकि वो मेरी इज्जत नोच नोच कर खाते रहे। अरे तूने तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जो पति जैसे महान शब्द वाला हो। इसलिए तू जैसे पापी को खत्म कर देना ही इस पत्नी का फर्ज बनता है, ताकि धरती मैया के सीने से हमेशा के लिए ये पाप बन जाए। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसा सुहाग दुनिया की किसी बेटी को मत देना। इंस्पेक्टर पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। मैं इसलिए गिरा हुआ इंसान हूँ, ये मेरे पापों की सजा है। ये मेरे दोनों बच्चों की लाशें है। ये मैंने ही सेठ बलवंत राय का खून किया था। मैंने इस मासूम देवी उमा को अगवा करके रोम रोम इसे सताया है। मुझ जैसे पापी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर।
क्या आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन कर रह जाए। मुझे पकड़ो इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ो। जल्दी ले चलो इसे। माँ, अब तो पैर छूकर ममता की महानता की पूजा कर सकता हूँ। हाँ बेटे, बेटों की पवित्र वीरता ही ममता की महानता का मान होती है। मुझे तुम पर गर्व है।